स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर की एक सब्जेक्ट है DSBM यानी ड्रग स्टोरेज एंड बिजनेस मैनेजमेंट के चैप्टर नंबर 10 के बारे में। चैप्टर नंबर 10 हमारा है कौन सा, कैश बुक। कैश बुक का मतलब एक ऐसी किताब होती है या फिर एक ऐसी बुक होती है जिसमें हम जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जितने भी हमारे लेन देन होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं या फिर लिखित में रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कैश बुक। चलिए बात करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव के बारे में। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है टू सेव द टाइम इन प्रिपेयरिंग जर्नल एंड लेटर्स। ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव है। मतलब ये क्या है, जो हमारी कैश बुक होती है ये हमारा टाइम बचाती है। अगर ये कैश बुक ना होती तो हम जर्नल और लेटर्स प्रिपेयर करते। दूसरा हमारा है टू कलेक्ट एंड रिकॉर्ड ऑल द कैश ट्रांजेक्शन। हम जितने भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जितने भी लेन देन करते हैं उसका सारा रिकॉर्ड इस कैश बुक में बनाते जाते हैं या फिर बनता जाता है। अगला है टू कैलकुलेट कैश एट हैंड। जितने भी हमने लेन देन किए हैं, जितना भी हमने लेन देन किया है उसको हम एक ही समय पर हम काउंट कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी कैश बुक की मदद से। उसमें हम सारी डिटेल देख सकते हैं कि हाँ हमने कब किसको कितना पैसा दिया और कब किससे हमने कितना लिया, ये सब हम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। और रिकॉर्ड मेंटेन होने की वजह से हम तुरंत ही काउंट कर सकते हैं या फिर देख सकते हैं कि हमारे अकाउंट में हमारे पास कितना पैसा है और कितना पैसा हमें देना है, कितना पैसा हमने आज लिया है। अगला है टू सेव द वर्कर्स इंगेजमेंट इन मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। अब जब कैश बुक है उस पर एक बार एंट्री हो गई कि हाँ इसमें इतना पैसा हमने दिया है किसी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को हमने इतना पैसा दिया और इतना पैसा लिया, उसी समय अगर हमने बना लिया, लिख के रख लिया, वर्कर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको मेंटेन करने के लिए। आगे देखते हैं हमारा टाइप ऑफ कैश बुक। जो टाइप ऑफ कैश बुक हैं जो मेनली होती हैं हमारी, चार तरह की कैश बुक होती हैं। पहला है हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक, दूसरा हमारा डबल कॉलम कैश बुक, तीसरा हमारा है ट्रिपल कॉलम कैश बुक और चौथा हमारा हो जाएगा पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक जो होता है हमारा, ये दो तरह का होता है। पहला होता है सिंपल पेटी कैश बुक, दूसरा हमारा होता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। चलिए हम बात करते हैं हम अपना सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में। तो सिंगल कॉलम कैश बुक और सिंपल कैश बुक दैट इज यूज टू रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शंस ऑफ आ बिजनेस। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें केवल हम जितनी भी कैश में लेन देन करते हैं, जितनी भी हम पैसों में लेन देन करते हैं उसको हम सिंगल कॉलम कैश बुक में लिखते हैं, फिर सिंगल कॉलम कैश बुक में उसका रिकॉर्ड बनाते हैं। मतलब ये नहीं कि हमने किसी से चेक ले लिया, जितना भी हम कैश में नगदी जिसे कहते हैं नगदी, जितना हम लेन देन करते हैं उसको इसमें हम सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं या फिर रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये इसका फिगर है सिंगल कॉलम कैश बुक का। इसमें इतने सारे कॉलम्स होते हैं। एक हमारा होता है डेट का कॉलम्स, मतलब हम जिस डेट में जिसको दे रहे हैं और जिससे ले रहे हैं यहाँ पर डेट डालते हैं। डिस्क्रिप्शन, हमने किस प्रोडक्ट पे या फिर किस पर्पस के लिए उसको पैसा दिया उसके बारे में लिखते हैं। वाउचर नंबर हमारा हो जाएगा जैसे कि बिल नंबर, मतलब जो भी हमारा बिल नंबर है वो यहाँ पर डालते हैं। पोस्ट रेफरेंस मतलब सीरियल नंबर डालते हैं कि बिल का कौन सा सीरियल नंबर था। अगला हो जाएगा हमारा अमाउंट, ये होता है हमारा डेबिट साइड, मतलब जितना हम किसी से लेते हैं वो इधर नोट करते हैं। और दूसरा होता है क्रेडिट साइड, मतलब जितना किसी को देते हैं, इधर भी वही होता है। दो कॉलम, आप कंफ्यूज मत होइएगा, सेम कॉलम यहाँ भी हैं, डेट, डिस्क्रिप्शन, वाउचर नंबर, पोस्ट रेफरेंस नंबर और अमाउंट। यहाँ हम जितना किसी को देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमने सेल किया 10 रुपये की सेल की, 4 तारीख को हमने 10 रुपये की सेल की, तो यहाँ पर डेट डालेंगे और जिस चीज़ का सेल किया है उसका नाम यहाँ डालेंगे। बिल नंबर क्या था, इस बिल नंबर पे ये चीज़ सेल हुई, वो बिल नंबर डालेंगे। पोस्ट रेफरेंस नंबर मतलब उसका सीरियल क्या है वो डालते हैं। और फिर डालते हैं अमाउंट की, कितने रुपए की चीज़ें हमने सेल की, इधर डालते हैं। अब इधर वाला हो गया, ये होता है जब हमारे पास किसी चीज़ कमी होती है, जब किसी चीज़ को हम मंगवाते हैं तो यहाँ डेट डालते हैं कि हमने इस डेट में इस चीज़ को, ये बिल नंबर था और ये सीरियल नंबर था, इतना हमने इतने की चीज़ें या फिर इतने का कोई भी प्रोडक्ट मंगवाया। ये होता है हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक।
सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम में सिर्फ एक ही अंतर है। सिंगल कॉलम में अमाउंट अमाउंट का कॉलम होता है, जो मतलब हम कैश में लेन देन करते हैं उसे, ये कॉलम होता है अमाउंट का। और जो डबल कॉलम होगा यहाँ पर अमाउंट होगा, अमाउंट के साथ होता है बैंक या फिर डिस्काउंट का होता है। और ट्रिपल कॉलम में तीनों होते हैं, अमाउंट का भी होगा, बैंक का भी होगा और डिस्काउंट का होगा। तो ये हमारा केवल यहाँ पर एक अमाउंट है, अमाउंट मतलब कैश में जितनी भी लेन देन कर रहे हैं तो यहाँ पर डालते हैं अमाउंट, इसीलिए इसको कहते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। अब जो ऊपर पड़ा हुआ है डेट, डेट का मतलब क्या है कि मतलब किस डेट में हमारा लेन देन किया गया। दूसरा डिस्क्रिप्शन है, जिस चीज़ पर हमने बिल काट के मतलब जिस चीज़ को हमने सेल किया है उसके बारे में यहाँ डालते हैं कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि हमने इस चीज़ को सेल किया था। दूसरा हमारा होता है वाउचर नंबर, वाउचर नंबर वो होता है मतलब बिल नंबर होता है, कौन सा बिल नंबर था जिस पे इतने रुपए की चीज़ बिक गई। पोस्ट रेफरेंस नंबर मतलब सीरियल होता है कि किस सीरियल नंबर पे ये बिल काटा गया था। अगला होता है अमाउंट, अमाउंट मतलब ये होता है कि कितना रुपए की कितने रुपए की सेल की गई या फिर कितने रुपए की बिक्री हुई है, वो डालते हैं अपने अमाउंट के कॉलम में। ये होता है हमारा सिंगल कैश बुक या फिर सिंपल कैश बुक। चलिए बात करते हैं डबल कॉलम कैश बुक के बारे में। डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, उसमें यहाँ पर क्या होते हैं दो कॉलम ऐड हो जाते हैं। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर था अमाउंट का, वही मतलब जो कैश यहाँ पर लिखा है अमाउंट ही है, अमाउंट का। और अमाउंट के साथ साथ एक कॉलम जुड़ जाता है बैंक का। अब यहाँ पर चाहे तो कैश और बैंक का कॉलम हो सकता है, चाहे तो कैश और डिस्काउंट का कॉलम हो सकता है, या फिर आपका हो सकता है बैंक और डिस्काउंट का कॉलम। यहाँ पर मतलब क्या होते हैं, सेम सब कुछ वही होता है, डेट, डिस्क्रिप्शन, वाउचर नंबर, पोस्ट रेफरेंस नंबर। एक जो होता है वहाँ हमारा सिंगल में क्या था, अमाउंट था, वही हमारा यहाँ पर कैश हो गया है। कैश अमाउंट था, अमाउंट के साथ साथ हमारा हो गया है बैंक। यहाँ पर हम तीन, ये तीन चीज़ें लिखी हुई हैं, ये तीन कॉलम यहाँ पर तीन तरह से यहाँ पर कॉलम हो सकते हैं। पहला कैश प्लस डिस्काउंट का, कैश प्लस बैंक का और बैंक प्लस डिस्काउंट का। इसीलिए इसको कहते हैं डबल कॉलम कैश बुक, यानी इसमें दो कॉलम हो जाते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं डबल कॉलम कैश बुक। अब मान लीजिए कि यहाँ पर से पहला है कैश और डिस्काउंट, कैश और बैंक का कॉल पहला है यहाँ पर कैश और बैंक। तो मतलब जितना अगर यहाँ इस डबल कॉलम कैश बुक में अगर कैश में पेमेंट किया जा रहा है तो हम कैश वाले कॉलम में चढ़ा लेंगे, अगर उस वो हम हमें मतलब कैश नहीं कर रहा है, कोई चेक दे रहा है तो चेक का नंबर हम चढ़ा लेते हैं, यानी मतलब कि इतना पैसा वो बैंक में ट्रांसफ़र कर रहा है, फिर हमें चेक दे रहा है, फिर वो मतलब हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा है। दूसरा है कैश और डिस्काउंट, अगर मान लीजिए कोई भी वो प्रोडक्ट हमारे दुकान से या हमारे शॉप से वो ले रहा है, इन केस उस प्रोडक्ट पे डिस्काउंट है, और वो हमें कैश पेमेंट कर रहा है, तो कैश पेमेंट के यहाँ पर तो रहेगा ही, ये कॉलम कैश पेमेंट का कॉलम तो रहेगा ही, साथ ही साथ ये बैंक का हटके यहाँ पर आ जाएगा डिस्काउंट का, कि उसने हमें इतना कैश पेमेंट किया, उस कैश पेमेंट पे उसको इतने रुपए का डिस्काउंट मिला, तो यहाँ पर हो जाएगा कैश और डिस्काउंट का कॉलम। अगला है, तीसरा है बैंक और डिस्काउंट। अब यहाँ पर कैश हट जाएगा, अगर मान लीजिए वो हमें चेक दे रहा है या फिर हमारे बैंक में पैसे डाल रहा है, तो यहाँ पर कैश हट जाएगा, बैंक और डिस्काउंट का कॉलम आ जाएगा। तो बैंक का मतलब वो इतना रुपये हमको बैंक में ट्रांसफ़र किया और उस पर कितना हमको उसको हम डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, ये कॉलम यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यानी बैंक और डिस्काउंट, बैंक यहाँ पर आ जाएगी, मतलब उसने बैंक में हमारा इतना रुपये ट्रांसफ़र किया और उसको इतना रुपये का डिस्काउंट मिल गया। यानी इसमें कुल मिला के दो कॉलम रहेंगे, इसलिए इसको कहते हैं डबल कॉलम कैश बुक। अब दो कॉलम कौन कौन से हो सकते हैं, इन तीनों में से कोई एक कॉलम हो सकता है, चाहे तो कैश प्लस बैंक का हो, चाहे कैश प्लस डिस्काउंट का हो, और चाहे बैंक प्लस डिस्काउंट का हो। तो इसलिए इसको कहते हैं डबल कॉलम कैश बुक। नोट्स आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, या फिर हम नोट्स जो है अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे हम डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर अपने हम फेसबुक पेज पे
डाल देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। हम नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे। अगला हमारा है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब ट्रिपल कॉलम कैश बुक का आप नाम सुनने में ही आपको पता चल जा रहा होगा कि इसमें क्या होते हैं, ट्रिपल मतलब तीन कॉलम कैश बुक होते हैं। इसमें क्या है, हमारा तीन कॉलम होते हैं, पहला डिस्काउंट का, दूसरा कैश का यानी कैश अमाउंट का, और तीसरा बैंक का। मतलब इसमें डिस्काउंट, कैश, बैंक तीनों कॉलम होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। बाकी सब कुछ सेम है। देखिए यहाँ पर डेट, डिस्क्रिप्शन, वाउचर नंबर, पोस्ट रेफरेंस नंबर, ये तीन कॉलम चाहे सिंगल कॉलम हो चाहे डबल कॉलम हो, इतने सारे कॉलम ये सेम रहते हैं सभी सभी में। बस अगर सिंगल कॉलम होगा तो यहाँ पर कैश हो जाएगा, अगर डबल कॉलम होगा तो कैश और डिस्काउंट हो सकता है, कैश और डिस्काउंट हो सकता है, अगर ट्रिपल कॉलम है तो उसके साथ ये तीनों चीज़ें जुड़ जाती हैं, इसलिए इसको कहते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ये हमारा होता है डेबिटेड साइड, मतलब जो हम किसी से लेते हैं या फिर जिससे हम पैसे लेते हैं इस पर डालते हैं, वो हमारा होता है पेटी कैश बुक। के बारे में पेटी कैश बुक, वो कैश बुक होता है जैसे कोई बड़ी कंपनी हो गई, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उसमें जो छोटे मोटे खर्च होते हैं, ट्रेवलिंग का हो गया, चाय का हो गया, नाश्ते का हो गया, छोटी कुर्सी मंगवाई गई उसका हो गया, तो जो बड़ी कंपनियां होती हैं उसमें एक हेड कैशियर होता है और एक पेटी कैशियर होता है। हेड कैशियर क्या करता है, वो पूरे डिपार्टमेंट को देखता है कि कितना खर्च कहाँ कहाँ पर आ रहा है। लेकिन जो हमारा पेटी कैशियर होता है वो सिर्फ छोटे मोटे खर्चे देखता है। उसको महीने में क्या करता है, जो हमारा हेड कैशियर होता है महीने में 10,000 रुपये दे देता है, और जो पेटी कैशियर होता है वो छोटे मोटे उन 10,000 रुपये में वो छोटे मोटे खर्चे देखता है कि कितना खर्चा कहाँ पे आ रहा है, वो लगाता है। जैसे कोई टेलीफोन का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, कोई गेस्ट आए हैं उनका चाय नाश्ता हो गया, कोई ट्रेवलिंग का मांग रहा है उसको दे दिया गया। मतलब जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो संभालता है पेटी कैशियर। नोट्स में लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर हम इंस्टाग्राम आईडी पे इसकी सारी फोटो डाल देंगे, आप तुरंत डाउनलोड कर लीजिएगा। हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे अपने इंस्टाग्राम की और अपने फेसबुक पेज की भी, वहाँ पर भी इसको हम अपलोड कर देंगे, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जो हमारा पेटी कैशियर होता है उसका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरह से होता है। रिसिप्ट नंबर, मतलब वही रिसिप्ट नंबर की कहाँ पर कितना, किस बिल नंबर पे कितना दिया गया है। CBF होता है, कैश बुक फोलियो। मान लीजिए जो हमारा पेटी कैशियर है उसको उसने हेड कैशियर से एक महीने का 10,000 रुपये लिए, उसने पूरा महीना खर्च किया, फिर जब अगला महीना आएगा फिर जब वो उससे लेगा तो वो भी इसमें ऐड हो जाता है। जो CBF होता है कैश बुक फोलियो, ये जो नंबर पे चढ़ाता वही होता है हमारा कैश बुक फोलियो। जो हमारा हेड कैशियर हो गया वो चढ़ाएगा, कहीं ना कहीं चढ़ाएगा ही कि हमने इस महीने में पेटी कैशियर को हमने इतने रुपए दिए थे, उसका सीरियल नंबर जो होता है वही होता है हमारा कैश बुक फोलियो। डेट पड़ी होती है कि हाँ किस डेट में हमने उनको पे किया था। पर्टिकुलर मतलब जैसे कि कोई चल के आया है, ट्रेवलिंग का उसका हो गया, टेलीफोन का बिल हो गया, मतलब उसका नाम पड़ता है कि हाँ किस पर्पस पे ये यहाँ से इतना अमाउंट निकाला गया है। वाउचर नंबर, अब भाई टेलीफोन बिल आएगा तो बिल का कोई सीरियल नंबर होता है, तो उस बिल का सीरियल नंबर होता है। फिर यहाँ पर लास्ट में होता है पेमेंट कि यहाँ हमने इतना पेमेंट किया था, ये आपका हो जाएगा पेटी कैश बुक। और लेकिन ध्यान रखिएगा पेटी कैश बुक में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम होते हैं, रिसिप्ट नंबर, कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, पेमेंट, इन सब का फुल फॉर्म हमने सबसे पहले ही लिख दिया है, इसका नहीं लिखा था कैश बुक फोलियो का, तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर ये देखिए कैश बुक फोलियो, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके नोट बना लीजिएगा। बाकी हम इसको अपनी हम नीचे लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं, जो हमारा पेटी कैश बुक है ये भी हमारा दो तरह का होता है। एक होता है एनालिटिकल कैश बुक, एनालिटिकल पेटी कैश बुक, एक होता है ये हमारा हो जाएगा सिंपल, और दूसरा हमारा होता है एनालिटिकल। अब जो ये वाला है चाहे इसको सिंपल कह लो चाहे इसको पेटी कैश बुक कह लो, और दूसरा हमारा हो जाता है इसी में एनालिटिकल कैश बुक। इन दिस टाइप रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड ऑन राइट साइड, द लेफ्ट साइड हैज़ 2 कॉलम फॉर अमाउंट रिसीव एंड कैश बुक फोलियो। मतलब इसमें जो होते हैं दो, लेफ्ट हैंड साइड कौन कौन से 2 कॉलम होते हैं, अमाउंट रिसीव का और दूसरा
कैशबुक फोलियो का, मतलब जितना हम इसी में क्या करते हैं, जो हमारा हेड कैशियर होगा उसने 10,000 रुपये दिए उसका भी इसी में नोट करेंगे, और कैशबुक फोलियो मतलब उसके सीरियल नंबर भी नोट करेंगे कि हाँ इसमें जो हमारा हेड कैशियर था उसने हमको इस महीने में इतने इतने रुपए दिए थे, और जो हेड कैशियर अपने रजिस्टर पर नोट करता है उसका सीरियल नंबर पड़ता है यहाँ पर कैशबुक फोलियो में। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ से उसका शुरू हो जाएगा बिल कि जो पेटी कैशियर है वो कहाँ कहाँ पर किस किस को पैसा वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, जैसे कि होगा टेलीफोन का बिल हो गया, ट्रेवलिंग का हो गया, ये सब वो देखता है। तो ये हमारा हो जाता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक, मतलब इसमें ये जो हमारा हेड कैशियर देगा वो भी इसमें नोट करेंगे, और जो पेटी कैशियर होगा जिस चीज़ पे वो खर्च कर रहा है वो भी इसमें नोट करता है। तो एनालिटिकल पेटी कैश बुक लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए ताकि और भी जब वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।